हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीए 2 ईयर प्रोग्राम का सिलेबस ऑफ बोथ द ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द अपडेटेड सिलेबस। जो सिलेबस है वो आपका 2020 के 2020-21 बैच के लिए चेंज हुआ है। एज यू कैन सी हेयर, सो दिस सिलेबस बिलोंग्स टू लाइक 2021 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए है। सो प्रीवियस सिलेबस को अब आप प्रेफर ना करें, आप प्रेफर करें न्यू सिलेबस को, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी के बेस्ड पर होगा। एंड काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ KQK की तरफ से सिलेबस में किए गए हैं। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस, देन हम करेंगे ईयर टू का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखें तो फर्स्ट ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, दे आर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट्स, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सो दीज आर गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट इन योर फर्स्ट ईयर, एंड पेडागॉजी सब्जेक्ट्स एज वेल विच यू हैव सेलेक्टेड। ग्रुप वन है यहाँ पे पेडागॉजी ऑफ साइंस में से। ये देखिए, जो पेडागॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे बीएड में एडमिशन लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे। अब उसमें आपकी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से थी, किस पर्टिकुलर कोर्स से थी, तो उसके बेसिस पे ये पेडागॉजी के सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप बात करेंगे अपने कॉलेज में एंड दे विल गाइड यू बेस्ट फॉर दिस। यहाँ से लिस्ट आप देख सकते हैं कि KUK यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेडागोजी में यहाँ पे आपको ऑफर करती है, दीज ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसके बाद बात करें तो यहाँ पर है पेडागोजी इज ओवर हियर। तो सेकंड ईयर को देखते हैं आप। तो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स आपके यहाँ से कोर्स 9 से शुरू है, सॉरी कोर्स 8 से शुरू है। यहाँ पे नॉलेज इन करिकुलम इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट, देन असेसमेंट फॉर लर्निंग, देन यहाँ पर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके सेकेंड ईयर में, राइट। एंड ऑप्शनल कोर्स की बात करें तो देखिए, ऑप्शन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास जो होता है, दैट इज़ हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। सेकेंड नंबर पे जो ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास होता है, दैट इज़ गाइडेंस इन काउंसलिंग, देन एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन 0.1%। सो दिस ये आपके 4 चॉइसेस हैं। तो जो भी कॉलेज आपको चॉइस देता है, आपको बोले नहीं पड़ती है, हार्डली आपको चॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। बट यू कैन आस्क इफ लाइक यू वांट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट आपको चाहिए तो आप कॉलेज को बोल सकते हैं उसके लिए कि मुझे ये सब्जेक्ट ना चाहकर दूसरा चाहिए तो मुझे ये दीजिए। देन इसके साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके हैं। थ्योरी की मैं बात करूँ तो सिर्फ 3 ही थ्योरी के मेन सब्जेक्ट हैं और एक ऑप्शनल है। तो टोटल 4 आपके पेपर सेकेंड ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है, सेकेंड ईयर में आपके कम है। तो यहाँ पर देन आपकी स्कूल इंटर्नशिप होती है पेडागोजी के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे इनका आपका प्रैक्टिकल होता है, आपका थ्योरी एग्जाम पेडागोजी का सेकेंड ईयर में नहीं होता है, ठीक है। बहुत बार ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि पेडागोजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका दोनों साल में ही क्या इवैल्यूएशन होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स। एंड पेडागोजी के देखिए, जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपको 2 चूज करने होते हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। तो दो इन्हीं सब्जेक्ट्स के आप बेसिकली टीचर बनेंगे आगे जाकर, TGT या PGT लेवल पे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा जिस भी क्लास के अकॉर्डिंग। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन लिया है तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादातर लेवल एलिमेंट्री रहेगा, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे रहा है तो PGT आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ज़्यादातर रहेगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एंड पेडागॉजी सब्जेक्ट्स, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की थोड़ी सी ब्रीफ में। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका EPC 1 है, EPC 3 है, ठीक है, और स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये फाइल्स आपको बनानी होती है, इनका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, प्रैक्टिकल फाइल्स आप बनाएंगे और आपका वाइवा होगा, दैट्स इट।
अब वहीं पे हम सेकंड ईयर में बात करें तो ये है सेकंड ईयर का टेबल। तो यहाँ पे आपकी दो फाइल्स अगेन है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, देन ड्रामा एंड आर्ट। तो ईपीसी आपकी अगेन टू, एंड यहाँ पर आ गई ईपीसी 3B, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ठीक है, तो ये अगेन आपकी फाइल्स बननी होती हैं एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो ये फाइल्स बनानी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल इसी के बेसिस पे होगा, वाइवा इसी के बेसिस पे होगा, एंड मार्क्स तो ऑब्वियसली सबको इंक्लूड करके आपको मिलेंगे। देन इसके अलावा आपको पेडागोजी की दो फाइल्स बनानी पड़ती हैं, जिनको हम लेसन प्लान फाइल्स बोलते हैं। तो लेसन प्लान फाइल्स का फिक्स्ड पैटर्न होता है एंड ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी फाइल्स, एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, सिलेबस बुकलेट अगर आपको ऑर्डर करनी है, क्वेश्चन पेपर बुकलेट अगर आपको प्रीवियस 5 ईयर्स की ऑर्डर करनी है, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स बुकलेट अगर आप ऑर्डर करना चाहती हैं, तो एवरीथिंग इज देयर। एंड दिस बुक यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एवरी मटेरियल आपको इन सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास से मिल जाएगा इफ़ यू वांट, एंड प्रैक्टिकल फाइल्स अगर आपको ब्लैंक चाहिए फाइल्स तो वो भी आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगी, एवरी मटेरियल। सो यू कैन कॉन्टैक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दो लेसन प्लान फाइल आपको बनानी पड़ती हैं, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से सेकेंड ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं ब्रीफ में, एंड यहाँ पे ये रहा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपका 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, एंड बुक्स आप इसके लिए कोई भी ले सकते हैं जो इजीली मार्केट में आपको मिल जाएं। लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक आप ले सकते हैं, वेरी इजीली अवेलेबल। ठाकुर पब्लिकेशन इज आल्सो वेरी इजीली अवेलेबल, अदरवाइज गो फॉर द नोट्स। ओके, यूनिट 1 है यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर्स एंड स्टेजेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या है उसको प्रॉपरली यहाँ पे बताया, पेरेंटिंग के स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, देन पर्सनैलिटी का क्या मतलब, नेचर और असेसमेंट है। तो ओवरऑल बोले तो इसमें देखिए इस सब्जेक्ट में बच्चे के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चा किन किन स्टेजेस से ग्रो होता है, मेंटली, सोशली, फिजिकली, मॉरली, इमोशनली क्या क्या फील करता है, कैसा होता है, एंड कौन कौन से थ्योरिस्ट ने, देखिए यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे कौन कौन से थ्योरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं, क्या क्या थ्योरीज दी हैं फेमस। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, जैसे लाइक कोलबर्ग है, पियाजे हैं, एरिक्सन है, तो इन्होंने बहुत सारी रिसर्च बच्चों के ऊपर करी एंड तब जाके इन्होंने कुछ उनके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। तो मेक श्योर इसको स्किप ना करें, यहाँ से क्वेश्चन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप देखिए आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप ना करें, एक एक चीज उसकी अच्छे से समझें, पढ़ें एंड तैयारी करें। यूनिट 3 की बात करें तो लर्नर एज अ डेवलपिंग इंडिविजुअल, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मेंटल प्रोसेस, मेमोरी, ये आपके 4 टॉपिक्स रहने वाले हैं। यूनिट 4 की बात करें तो लर्निंग इन अ सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, सोशल एंड कल्चरल चेंज क्या होते हैं, मार्जिनलाइजेशन या स्टीरियोटाइपिंग का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, मीडिया का क्या रोल है कंस्ट्रक्शन में एंड डीकंस्ट्रक्शन परसेप्शंस में, एंड वे ऑफ डीलिंग इन द अबव इश्यूज। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट के लिए अदरवाइज एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे देखिए आपको लिंक भी दिख रहा होगा, तो अपडेटेड सिलेबस के साथ भी डिस्कस करेंगे, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कर लेंगे आप तो यू कैन ईजिली गेट गुड मार्क्स। सो डू वॉच दीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोज। तो देखिए यहाँ से बात करें यूनिट 1 से, तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, चॉइस होगी 2 में से। तो यहाँ पे आपका देखिए पेरेंटिंग स्टाइल या पर्सनालिटी में से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
एंड इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताओ, प्रिंसिपल, फैक्टर, स्टेजेस। जरूरी नहीं है ये चारों चीजें आपसे पूछी जाएं, कोई ना कोई स्किप जरूर होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में पूछे जा सकते हैं, बट ओवरऑल यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शॉर्ट वे में स्टडी कर सकते हैं, डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहते हैं, तो बाकी भी स्किप कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव टाइम। अदरवाइज प्लीज स्टडी दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेट एग्जाम ऑल्सो। एंड लास्ट में मैं बात करूँ तो पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ पर्सनैलिटीज में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है एडोलेसेंस को आप स्किप कर देंगे। कई बार इन दोनों में से क्वेश्चन नहीं आता तो एडोलेसेंस पे आ जाता है, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन यूनिट 2 से बात करें तो यहाँ पे देखिए तीन थ्योरिस्ट हैं, तीनों की आपकी लाइक थ्योरीज दी हुई हैं, तो तीनों में से दो पे क्वेश्चन आएंगे आपके, एक को स्किप कर दिया जाएगा, दो में से किसी एक पे आपको करना है। तो अगर आप शॉर्टकट मेथड से पढ़ना चाहते हैं तो किन्हीं भी दो थ्योरीज को आप स्टडी कर सकते हैं, एक स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑल्दो ना करें आई नेवर रेकमेंड दिस टू एनी स्टूडेंट। यूनिट 3 से बात करें तो लर्नर एज अ डेवलपिंग इंडिविजुअल, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मेमोरी, मेंटल प्रोसेस, ये चार हैं। तो आप लगा लीजिए इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन एक ना एक पे तो आपको करना ही है, बट अगर आप अगेन शॉर्टकट स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को आप स्किप कर सकते हैं, बाकी तीनों जरूर करें क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इन पे देखने को मिलते हैं। यूनिट 4 से बात करें तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, देन सोशल एंड देखिए सोशलाइजेशन पे टॉपिक पे हमेशा मिलता है, एंड यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस करिए कि बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, फैमिली का, स्कूल का, इन बच्चे की एजुकेशन पे, बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट पे, तो थोड़ा सा थिंक एंड आंसर वाला टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड बाकी तीनों टॉपिक्स भी आ जाते हैं, मीडिया वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, मार्जिनलाइजेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन है। अगर आप चाहें तो चारों में से एक को स्किप कर सकते हैं क्योंकि दो पे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा एंड एक आपको अटेंड करना है। तो इसे कहते हैं हम शॉर्टकट स्टडी। जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है या किसी कारण से पढ़ नहीं पाए हैं, वर्किंग है या मदर्स हैं जो एजुकेशन दे रही हैं, तो वो इस लाइक शॉर्टकट मेथड को अपना सकते हैं पढ़ने के लिए। एंड आगे बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट की, कोर्स कोड आप यहाँ से देख सकते हैं अपना। एंड यहाँ पे भी चार यूनिट्स में आपका ये सिलेबस डिवाइडेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन आपकी यूनिट 1 डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, सेकेंड पार्ट इज डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। देखिए इस पार्ट में से एक क्वेश्चन आता है और इस पार्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो अगर आप शॉर्टकट में स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक पार्ट को कर सकते हैं, दूसरे को अगर चाहें तो लीव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये बेसिकली सब्जेक्ट को मैं आपको ओवरव्यू व्यू दूँ तो देखिए इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन में इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, एंड कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं, कमिटीज बनी है, कमीशंस आए हैं, नेशनल पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन के लिए, तो बेसिकली हम वो पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम इसमें पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस के बाद का, पर कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे लाइक क्या चीज़ें हुई थी, कैसा एजुकेशन था, तो वो चीज़ें भी कुछ इसमें इंक्लूड करी गई हैं। प्री इंडिपेंडेंस का कम है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का ज़्यादा है, तो ये सब्जेक्ट बेसिकली वो है आपका। यूनिट 2 अगर आप देखेंगे तो यूनिट 2 यहाँ पर आपका प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, तो 84 1984 अदाम्स रिपोर्ट भी पहले आई थी, मकुलेज मिनट्स भी लाइक पहले आए थे इंडिपेंडेंस से, तो ये इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या था बेसिकली इसमें वो है। नई तालीम एंड फिलोसफी ये गांधी जी की है, जो गांधी जी ने एक बुनियाद रख दी थी एजुकेशन के, और ये बुनियाद रख दी थी देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही, तो यहाँ पे बहुत नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट से मिलने वाली है, ये भी आपको सीटेट में आपके टेट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन यूनिट 3 है यहाँ पे एजुकेशनल कमिटीज एंड कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू, अब देखिए क्या क्या कमिटीज और कमीशंस आए जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो आए बहुत हैं बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, इसको ही POA बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, POA
और ये वाला रिवाइज नेशनल पॉलिसी, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए ये इंक्लूड किया गया है सिलेबस के, यूके का जो चेंज हुआ है उसमें ये चीज़ देखने को मिली है, नया ऐड क्यों हुआ है। देखिए सिलेबस चेंज क्यों हुआ है समझिए उसको, क्योंकि 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से हर टॉपिक्स को रिफॉर्म करना था। पहले जो सिस्टम था वो कैसा सिस्टम था, जो हम बोल सकते हैं घिसा पिटा सिस्टम पहले से चलता आ रहा था, कि बच्चे अपनी चॉइस से नहीं पढ़ सकते थे, पहले के हिसाब से पढ़ना पड़ता था उनको, कि अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं करिकुलम ने बांधा हुआ था उनको। तो अब वो चीज़ हट गई है, न्यू शिक्षा नीति एक ऐसी आई है, कोई साइंस का बच्चा भी, लाइक हिस्ट्री का बच्चा, ये आर्ट्स का बच्चा, ये डिवीजन पहली बात तो रहा ही नहीं है। अब देखिए हमारे मुंह से भी हमेशा यही चीज़ निकल जाती है, साइंस का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, तो वो चीज़ कहनी गलत है। अब ये चीज़ें नहीं होंगी आने वाले कुछ सालों में, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, एक लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, या और कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, ही इज़ फ्री कि कोई भी सब्जेक्ट वो ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस डिवीजन। तो इसी रीज़न की वजह से जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसी की वजह से जो बीएड का सिलेबस है वो चेंज हुआ है। देखिए स्कूल्स में भी, जो स्कूल्स भी हैं उन्होंने भी, लाइक एनसीईआरटी का पैटर्न बोले हम, सीबीएसई को देखें, तो हर चीज़ में चेंज आ रहा है। क्यों? नई शिक्षा नीति के हिसाब से, मतलब स्कूल में बुक्स से लेकर हम बोले चॉइसेस से लेकर एजुकेशन पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, एंड आने वाले सालों में और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाइक धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसलिए बीएड के भी सिलेबस में हर यूनिवर्सिटी में चेंजेस आए हैं, कुछ में नहीं आए हैं, तो आने वाले एक दो बैचेस में आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं यूनिट 4 की, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन, की इंडियन एजुकेशन के अंदर क्या क्या कंटेम्प्रेरी हाल ही इश्यूज हैं, उसके बारे में क्या क्या इश्यूज आए थे, उसका सॉल्यूशन, ये सब इस यूनिट में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूईई का एक टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिसके अंदर आपका डीपीईपी, एमडीएम, एसएसए, आरएमएसए, आईईटीएसएस होते हैं। यूईई पे बेसिकली क्वेश्चन आता है और ये सब आपको उसी के अंदर इंक्लूड करने होते हैं। एक एक पेज आप बोल सकते हैं, सभी के बारे में आप लिख सकते हैं उसमें। इसके साथ डिस्कस करें तो हमारे पास देखिए बाकी टॉपिक्स भी हैं, इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, बट यूईई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस लाइक ऑलमोस्ट सभी साल में, हर ईयर में देखने को मिलता है। रेस्ट कोई भी छोड़े ना, थोड़ा सा डाइसी रहती है ये वाली यूनिट, क्वेश्चन लाइक 2 कहीं से भी पिक हो सकते हैं। अगर शॉर्टकट से आप पढ़ना चाहते हैं, एक स्किप कर सकते हैं, बाकी सभी जरूर पढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, सब्जेक्ट कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 है, देखिए लर्निंग एंड टीचिंग जैसा आप नाम से ही समझ सकते हैं, पढ़ाना हो गया आपका और सीखना हो गया, तो आसान सब्जेक्ट है बहुत, बट थोड़ा सा आपको एक बार बोल सकते हैं रीडिंग देने की इस सब्जेक्ट को जरूरत पड़ती है। सो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, पहली यूनिट आपकी लर्निंग के बारे में रहती है। देखिए जो शुरू की 2 यूनिट है वो आपकी लर्निंग पे बेस्ड है, देन बाद की 2 यूनिट यूनिट 3 एंड 4 वो टीचिंग पे बेस्ड है, एज जो आपके सब्जेक्ट का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, सो लर्निंग क्या होती है, उसका नेचर, कॉन्सेप्ट, टाइप्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, तो देखिए लर्निंग एंड टीचिंग का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, यहाँ पे मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी, सो आई बटन पे ज़रूर देखें, क्लिक करें, सो दैट आपको हेल्प हो कि और आपको पता चले कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्या बता रहा है, एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू लव दोज लेक्चर्स। तो लर्निंग के बारे में हो गया, देन लर्निंग की स्ट्रैटेजीज, रोल ऑफ टीचर, लर्निंग पे देखिए एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इस यूनिट में से मैं आपको बता दूं तो लर्निंग पे एक क्वेश्चन आता है लाइक 1 2 3, इनको मिला के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और वो कोई फिक्स नहीं है, मे बी लर्निंग स्ट्रैटेजीज पे क्वेश्चन मिल जाए, मे बी लर्निंग का कॉन्सेप्ट या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या है, इनमें से मतलब 2 3 चीज़ें पूछ ली जाएं,
एंड रोल ऑफ टीचर क्या है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज लाइक स्कूल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रैटेजीज, मतलब इन तीनों पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे. तो दो तरीके से, दो क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से, तो आप कोई भी एक टॉपिक कर सकते हैं एंड ये आपका फर्स्ट यूनिट से रहेगा, एक क्वेश्चन लर्निंग पे, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे. यूनिट टू पे बढ़ेंगे लर्निंग पैराडिग्म एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग. यहाँ पर रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं जो लाइक अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं एंड अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट, आपको टेट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी. सो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड है थॉर्नडाइक का. मतलब देखिए, यहाँ से हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्वेश्चन किन पे आएगा, क्योंकि तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं. एंड जैसे कि यहाँ पे पावलोव की थ्योरी है, देन स्किनर की थ्योरी है, देन वाइगोत्स्की एंड वेंडुरा की थ्योरी है. तो एक अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट से पढ़ना, एक स्किप कर सकते हैं, बट बाकी सभी जरूर करें. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग. अब जैसा मैंने आपको बताया, दो यूनिट लर्निंग से, दो यूनिट आपकी टीचिंग से, तो ये आ गया आपका यहाँ पे टीचिंग से. तो टीचिंग पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे टीचिंग पे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि टीचिंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कुछ भी इस पे से पूछा जा सकता है. कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक टीचिंग क्या है, तो टीचिंग पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% पूछा जाएगा. एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या रहती है, मतलब देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से मोल्ड होके आ सकता है. लास्ट के 2 बुलेट्स में से एक क्वेश्चन, शुरू के 2 बुलेट्स में से एक क्वेश्चन, तो इस तरीके से ज़्यादातर रहता है. तो टीचिंग का अगर आप कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स से लेवल्स वगैरह कर लेते हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ. इस पे से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा. यूनिट 4 की बात करें तो फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग है. तो यहाँ पे फेजेस क्या होते हैं टीचिंग के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इसको मतलब स्टार लगा ले इस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बिल्कुल देखने को मिलेगा. देन यहाँ पे एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर देते हैं. सो लेट्स सी, या इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा. देन मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज पे. तो इन दोनों में से ज्यादातर किसी एक पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड फेजेस ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. देखिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. तो इस बार थोड़ा सा आप अच्छे से ब्रीफ में पढ़ें, बिकॉज सिलेबस चेंज होने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन होंगे इन ईयर 2020, सॉरी इन ईयर 2021. आगे बढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. सब्जेक्ट कोड यहाँ से आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज आपकी यूनिट 1 है. लेकिन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इस सब्जेक्ट को मैं आपको पहले बता देती हूँ इसका मतलब क्या है. देखिए, एक करिकुलम होता है जो हर स्कूल में फॉलो होता है एंड करिकुलम जो है वो स्टेट नेशनल लेवल पे सेम रहता है. ऐसा नहीं है किसी स्कूल में कुछ है तो दूसरे में कुछ है, ऐसा नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज होती है उस करिकुलम को पढ़ाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल आप सभी ने सुना होगा. तो वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो स्कूल किस तरीके से पढ़ाता है. क्या वो किस लैंग्वेज में पढ़ाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, या कोई रीजनल स्कूल है, कोई पर्टिकुलर लाइक गुजरात का स्कूल है, मे बी वो गुजराती मीडियम में सिखाता हो, और वहीं कोई पंजाब का स्कूल है तो वो पंजाबी मीडियम में सिखाता हो. तो वो डिपेंड करता है कि करिकुलम के अंदर लैंग्वेज कौन सी चुनी गई है. अब अक्सर हम देखते हैं, पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है या हिंदी मीडियम स्कूल में जाता है, या मे बी पंजाब में, लाइक पंजाब का अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे बोला जाए कि पंजाबी में एजुकेशन होती है हमारे बच्चे की, तो मे बी वो पंजाबी स्कूल में जाता हो एक प्रॉपरली, जहाँ पे करिकुलम में बेसिकली पंजाबी फॉलो होती हो. वो स्कूल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम नहीं होता है. बेसिकली करिकुलम में जो लैंग्वेज यूज होती है वो लैंग्वेज कहलाती है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैथ, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जनरल नॉलेज, साइंस, ये किस भाषा से पढ़ाए जाते हैं बच्चों को. अगर ये हिंदी भाषा में पढ़ाए जाते हैं तो स्कूल को हमें
हिंदी मीडियम स्कूल बोल देते हैं, अगर इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं तो उनको हम इंग्लिश मीडियम स्कूल बोल देते हैं, या और कोई लैंग्वेज है तो वह स्कूल के नाम से ऐसे हम बोल देते हैं। तो वही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो उसी लैंग्वेज के बारे में ये पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज। तो जिन स्टूडेंट्स के पास पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आपको पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश में भी, या पेडागॉजी ऑफ हिंदी भी है उसमें थोड़ा कम हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये लैंग्वेज के बेस पे एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लाइक लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है, नेचर होता है, ये आपका यूनिट वन में फर्स्ट पार्ट में आ गया। देन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। देन देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ इस पार्ट में से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में से देखने को मिलेगा, सॉरी सेकेंड या थर्ड में से देखने को मिलेगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है लैंग्वेज पे, बट कई बार कॉम्बिनेशन में लाइक आपका एक क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होता है, आई डोंट रिमेम्बर 2018 या 19 का क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे आधा क्वेश्चन पार्ट वन में से है और आधा क्वेश्चन पार्ट टू में से है, बट पार्ट वन में से क्वेश्चन स्किप नहीं होता है, हमेशा पूछा जाता है। देन पार्ट टू और थ्री में से एक क्वेश्चन किसी भी लाइक पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाता है। एंड यहाँ पे एक टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट लीव इट। कई बार 4 मार्क्स में मल्टीलिंगुअलिज्म लाइक अक्सर ही पूछ लिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल इसकी प्रिपरेशन करनी है। देन यूनिट टू की बात करें तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स क्या है, देन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिट टू में है लैंग्वेज के सीखने के 4 स्किल्स होते हैं, लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो चारों स्किल्स के बेस पे है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जो शॉर्टकट में स्टडी करना चाहते हैं, एक पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, एंड देखिए सेकेंड को कर दे, फर्स्ट को ना करे। फर्स्ट ईजी भी है एंड इतना लेंदी भी नहीं है। स्विचिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, कोर्स कोड है 805। तो यहाँ पे यूनिट वन है इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बट वी विल डिस्कस इन ब्रीफ। मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, देन रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स फ्रॉम फिलोसफिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, एमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो देखिए इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं लाइक हम चीज़ों को ज़्यादा समझना पड़ता है, आपको इजीली समझ नहीं आती है जब तक आप डिसिप्लिन को नहीं समझेंगे। यहाँ पे डिसिप्लिनरी का मैं मतलब बता देती हूँ, कई बार इसको हम गलत तरीके से ले लेते हैं सब्जेक्ट को, आप इसको डिसिप्लिन ले लेते हैं स्कूल डिसिप्लिन वाला, स्ट्रिक्टनेस वाला, पनिशमेंट वाला, कुछ इस तरीके से रिलेट कर लेते हैं लोग, बट ये वो डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात होती है अकेडमिक डिसिप्लिन की, कि अकेडमिक्स में डिसिप्लिन्स लाइक आपने जो स्टूडेंट्स इग्नू में रहे हैं या जो कॉलेज में अच्छी तरह लाइक अगर आपने क्रेडिट्स वगैरह के बारे में सुना हो, डिसिप्लिन्स कौन कौन से होते हैं, तो वो वाले डिसिप्लिन्स की यहाँ पे बात होती है, ना कि लाइक स्ट्रिक्टनेस वाला डिसिप्लिन एंड अनुशासन की बात यहाँ पर नहीं है, कहीं ना कहीं अकेडमिक डिसिप्लिन्स की बात है। तो इस चीज़ को समझें, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन ये स्टूडेंट्स को रहता है, अधिकतर स्टूडेंट्स को रहता है मैं बोलूँगी। तो मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है, देन रोल ऑफ डिसिप्लिनरी इन स्कूल सब्जेक्ट्स, एंड देन बाकी ये 2 टॉपिक्स हैं। तो देखिए फर्स्ट 2 बुलेट्स में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, नेक्स्ट 2 बुलेट्स में से एक क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप चाहें तो स्किप लाइक एक कर सकते हैं एंड 3 आप स्टडी कर सकते हैं। यूनिट 2 से बात करें तो डिसिप्लिनरी नॉलेज रिलेटेड इश्यूज है, एंड यहाँ पे भी देखिए करिकुलम और सिलेबस के बीच क्या डिफरेंस और रिलेशनशिप है, इस पे क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा, इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप ना करें। एंड पैराडिग्म शिफ्ट ऑफ डिसिप्लिन्स, इस पे भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 16 में भी, बट पैराडिग्म शिफ्ट, ये शिफ्ट का आपका क्वेश्चन बेसिकली 16 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आप कर सकते हैं, अगर चाहें तो एक को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ सारा ही सिलेबस करें, डोंट स्किप द टॉपिक्स, दो दो यूनिट के दो ये सब्जेक्ट्स लाइक आपके हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, कोर्स कोड आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड अगेन 2 यूनिट्स का ही ये सब्जेक्ट्स हैं आपके लास्ट वाले।
देन जेंडर स्टडीज के बारे में यहाँ पे है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। तो यहाँ पे देखिए थ्योरीज पे से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एंड यहाँ पे जेंडर लाइक पेट्रियार्क सोसाइटी, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म एंड इश्यूज ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट बुलेट में से एक क्वेश्चन, सेकंड बुलेट में से एक क्वेश्चन, थ्योरी कोई सी भी एक आपसे पूछी जाती है, या 4 मार्क्स में भी देखिए थ्योरीज पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाता है हर साल। तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। तो 4 मार्क्स के हिसाब से लाइक आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको दोनों बुलेट्स ही करने पड़ेंगे, प्लस इसका पार्ट 2 भी करना पड़ेगा, बिकॉज एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में से जो देखने को मिलेगा वो लाइक एक 4 मार्क्स में यहाँ से आ गया 16 मार्क्स, देन 16 मार्क्स, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस यूनिट में से स्किप ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी ये थोड़ी सी लंबी यूनिट आपकी बनाई गई है एंड इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है, एंड क्वेश्चंस भी हर एक टॉपिक से ही आपको देखने में को तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा स्किप करना चाहते हैं तो थ्योरीज लाइक 3 पढ़ सकते हैं, एक स्किप करते हैं, दैट्स लाइक शॉर्टकट स्टडीज सब्जेक्ट से हो सकती है यूनिट 1 से। यूनिट 2 से इक्वालिटी और इक्विटी पे एक क्वेश्चन, देन जो कि पार्ट 3 है, देन पार्ट 4 से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमेशा। देन यहाँ पे इक्विटी और इक्वालिटी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा टॉपिक इसको करना है, पूरे टॉपिक का ही आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली फॉर्म होता है। एंड 4 मार्क्स में बात करें तो इक्विटी पे या इक्वालिटी पे किसी पे इक्वल क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। अब यहाँ पे 16 मार्क्स की बात करें तो इस वाले पार्ट से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड देखिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक थोड़ा सा मैं बोलूँगी यहाँ पे आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा ये डिमांड करता है लेंदी आंसर्स, आपको थोड़ा सा कंटेंट बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा इसमें लिखना पड़ेगा। लाइक और सब्जेक्ट्स में अगर आप 16 मार्क्स के लिए 6 पेजेस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप 6.5, 7 या 8 पेजेस स्ट्रेच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बिकॉज इस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा है राइटिंग पर्सपेक्टिव से, समझाने के पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर को। तो राइटिंग कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एंड लेंथी ये पेपर थोड़ा सा आपका रहता है। देन यहाँ पे पेडागोजी के काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी को हम ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर पेडागोजी सब्जेक्ट पे अगर आप ब्रीफ में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां से सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में। सो अब डायरेक्टली स्विच करेंगे हम सेकेंड ईयर के। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज नॉलेज एंड करिकुलम, ये आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, पोस्ट कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। सो यूनिट 1 आपकी नॉलेज बेसिस ऑफ एजुकेशन, देखिए ये सब्जेक्ट आपका इसमें थोड़ा सा पढ़ने को ज़्यादा मटेरियल है, बट बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, तो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइक याद रहेंगी काफ़ी लंबे टाइम तक। इसके भी सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैं यहाँ पे आई बटन लगा दूंगी, आप उसमें ज़रूर देख सकते हैं, एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये आपका रहता है। देन यहाँ पे देखिए नॉलेज एंड करिकुलम से बात की जाए तो नॉलेज पे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, सोर्सेज है, टाइप्स हैं, या मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट से मैं अगर बोलूँ तो आपका बुलेट नंबर 2 और 3 में से एक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाइक आप के जो एजुकेशन थिंकर्स है, गांधी जी के एजुकेशनल थॉट्स क्या है, टैगोर जी के क्या है, देन जे कृष्णमूर्ति, देन फ्रेडरिच फ्रॉबल, इनकी में से किसी एक पर आपको एजुकेशनल थॉट्स लिखने को बोला जाएगा। सपोज 16 मार्क्स में एक बुलेट पे क्वेश्चन नहीं आता है तो 4 मार्क्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में, बिलीफ एंड ट्रुथ में, रीजनिंग एंड एनालिसिस में किसी एक पे देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन ये वाला 16 में आता है तो ये आपका 4 मार्क्स में आएगा, ये 16 में आता है तो ये 4 मार्क्स में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप 16 मार्क्स के हिसाब से तो डेफिनेटली प्रिपेयर करें, साथ में दोनों आपको करने पड़ेंगे। स्किप इस सब्जेक्ट में स्किप करने वाला कंटेंट बहुत कम है। यूनिट 2 से बात करें तो यहाँ पे सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन की आपकी ये यूनिट रहने वाली है,
एंड यहाँ पे भी देखिए सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स मेन हम बात करें, स्किप करने को आपको बहुत कम मिलेगा इन सब्जेक्ट्स में, बिकॉज यहाँ पे आपके सेकंड ईयर में कम सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, बट जितने भी हैं उनमें क्वेश्चन ट्विस्ट होके भी आपको देखने को मिलता है, एंड लाइक 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में वो क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से हर टॉपिक पुट कर ही देते हैं, तो स्किप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। थ्योर लाइक आपके फर्स्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, सो इनको थॉरली आप जरूर करें। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सोशलाइजेशन से टॉपिक देखने को बिल्कुल मिलता है, या एक हम बोल सकते हैं ओपन क्वेश्चन थोड़ा सा इक्विटी एंड इक्वालिटी पे भी देखने को मिलता है। इसके बाद रोल ऑफ, ये आपको कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाइक कल्चर इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस का क्या लाइक शेप करने में एम्स ऑफ एजुकेशन की क्या रोल है, एक कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से भी बट इसके चांसेस लाइक आ जाता है एक क्वेश्चन, एंड तो इस तरीके से क्वेश्चंस तो देखने को देखिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक, बट आई विल सजेस्ट सेकेंड ईयर में ये चीज़ आप ना करें, फर्स्ट ईयर में कर ली है क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा है तो ठीक है, बट सेकेंड ईयर में ये चीज़ काम करें। करिकुलम डेवलपमेंट पे बात करें तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करिकुलम और सिलेबस पे एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। देन करिकुलम डिफरेंट लेवल्स पे, नेशनल या स्टेट लेवल पे या स्कूल लेवल पे कैसा है, इसमें जनरली 4 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम 16 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स में नहीं आता है, जनरली 16 में देखने को आपको मिल सकता है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। फोर्थ पॉइंट चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट ऑलवेज नॉट टू डू। यूनिट 4 से बात करें तो करिकुलम प्रैक्टिसेस ये आपका है, एंड यहाँ पे NCF पे क्वेश्चन देखने को बिल्कुल ज़रूर मिलेगा आपको, ये रहा ये टॉपिक, एंड रेस्ट ऑफ द 3 पे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, सो यू कैन सी विच लाइक यू वॉन्ट टू डू, बट 4 मार्क्स में क्वेश्चन भी यहीं से देखने को जनरली मिलता है, सो लीव ना ही करें तो वही ठीक रहता है। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, सो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए बच्चों का मूल्यांकन बेसिकली कैसा करना चाहिए, क्या होता है, क्या क्या रूल्स हैं उसके लिए, क्या क्या लाइक पैटर्न फॉलो होता है, वो इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली पढ़ते हैं। देन असेसमेंट और इवेल्युएशन के बीच क्या अंतर्संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, वो आ गया आपका। कॉन्सेप्ट में आपका मीनिंग डेफिनेशन सब कुछ इंक्लूडेड है, तो अच्छे से इसको करना है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्टरी लेवल पे, लाइक ऑब्वियसली सिर्फ कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछा जाएगा 16 मार्क्स में, तो तीन चार चीज़ें मिक्स होकर आती हैं 16 मार्क्स में, तीन चार पार्ट्स डिवाइड होकर आते हैं, तो एक पार्ट ये ज़रूर आपका 100% रहेगा, या फिर 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। देन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं असेसमेंट के, ये यहाँ तक इतना आप जनरल वे में कर लेते हैं, दैट्स इनफ। देन क्रिटिकल रिव्यू ऑफ करंट इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस, तो यहाँ से डाइसी रहता है, कोई लाइक भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो ये पूरा ही आपको करना पड़ेगा। यूनिट 2 पे आते हैं, यूनिट 2 इज ऑल्सो वेरी डाइसी एंड बिट लेंदी, एंड यहाँ पे लाइक आपको एफर्ट्स करने की नीड है इस वाली यूनिट में, तो इसको भी अच्छे से करना है, तो यहाँ से सभी कुछ आपको करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। देन यूनिट 3 की बात करें असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल्स की, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे यूनिट के नाम से ही पता चल रहा है, प्रोसेस और टूल्स पे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, जनरल क्वेश्चन आता है प्रोसेस के बारे में बताओ या टूल्स के अंदर, ऑब्वियसली आपके जितने भी बुलेट्स हैं सभी आपको डिस्क्राइब करने पड़ जाते हैं, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इन द ब्रीफ एज वेल, सो यहाँ पे जनरल वे में आप इसको कर सकते हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आप डिटेल में नहीं करेंगे तो वो इनफ रहेगा, बिकॉज जनरल क्वेश्चन प्रोसेस या टूल्स पे आपको देखने को मिलता है, बट जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन डेप्थ क्वेश्चन होता है, वो उठा के कहीं से भी डीप से पूछा जा सकता है, तो उस पे उसके लिए ही आपको सिर्फ इस यूनिट को पर्टिकुलरली ब्रीफ में स्टडी करना पड़ता है। यूनिट
यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिकल रहती है ये वाली यूनिट, एंड इसको स्किप ना करें, इससे भी क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये सब्जेक्ट देखिए आपका इतना लेंदी नहीं होता, अगर आप नॉलेज एंड करिकुलम से बात करें तो, नॉलेज एंड करिकुलम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको आंसर्स लिखते लिखते टाइम कम पड़ जाता है, एंड जनरली स्टूडेंट्स उसका रिव्यू देते हैं कि लेंदी था क्वेश्चन पेपर हमारा, वहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग का इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर एज कम्पेयर टू नॉलेज एंड करिकुलम नहीं रहता है। ये वाली यूनिट थोड़ी सी मैथमेटिकल है तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ है, वो चीज़ें प्रॉपरली करें, साथ में थ्योरीज भी करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोरिकल सॉरी हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी कर्व्स की, तो हिस्टोग्राम क्या होता है एंड एक उसका सैम्पल, ये सब आप रेडी रखें अपने पास बिल्कुल दिमाग में विद प्रॉपर देखिए नंबर्स ऑल्सो, सो दैट कि जनरल वे में क्वेश्चन आए कि हिस्टोग्राम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएं। अगर क्वेश्चन पेपर में ही आपको नंबर्स मिलते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इट और ड्रॉ इट, तो वो आपको डेफिनेटली नॉलेज होगी, सो यू कैन डू दैट। तो इस तरीके से ये यूनिट आपकी रहती है, एंड डेफिनेटली दो बुलेट्स हैं तो दोनों पे से एक एक में जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है, एंड 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट बुलेट से अधिकतर पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल थर्ड जो कॉमन सब्जेक्ट है आपका सेकेंड ईयर में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे आपका नॉलेज इन करिकुलम सब्जेक्ट था पढ़ने को ज़्यादा था, चीज़ें समझने को ज़्यादा थी एंड लेंथी क्वेश्चन पेपर रहता था, तो इसी हिसाब से क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के साथ भी कुछ ऐसा है, इसमें भी लिखने को और पढ़ने को बहुत कुछ है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली इसका जब भी आंसर लाइक क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो जल्दी से करना शुरू करें, एंड ज़्यादा हर एक आंसर को लाइक लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में ही उसको लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स तक करें। एंड यहाँ पे है मीनिंग नेचर एंड नीड एंड फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए ये हम मैं अगर आपको बताऊँ एक ओवरव्यू इस सब्जेक्ट का दूँ, देखिए हर स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब जो स्टूडेंट्स लाइक इफ दे हैव सम डिसेबिलिटी और लाइक दे हैव सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, उनको हम प्रॉब्लम्स भी नहीं बोलेंगे लाइक द थिंग्स, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टाइम है कि कोई भी बच्चा अगर लाइक उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, या कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता है, कोई टीचर मना नहीं कर सकती है एडमिशन लेने से, उसके पास भी राइट है कि वो सभी स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मल तरीके से नॉर्मल हालातों में स्टडी कर सके, विच इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट, इस चीज़ को अलग नहीं किया गया है, एंड बहुत सारे देश हैं जो इस चीज़ को इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करते हैं एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो ये बीएड स्पेशल का एक सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं है जो आपके बीएड में भी है, क्योंकि एज अ टीचर आपकी क्लास में भी आपको स्टूडेंट्स के साथ लाइक डील करना है जिनको मे बी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो या फिजिकल डिसेबिलिटीज हो, सो दैट आप उनके साथ कॉपरेट कर पाएँ, उनको समझ पाएँ, उनको भी अच्छे से किस तरीके से एजुकेशन देनी है वो सब आपको पता हो, तो ये सब्जेक्ट बेसिकली आपको उसमें हेल्प करता है, तो इसको भी स्किप नहीं करना है कुछ भी लाइक इसमें से भी, इसमें भी बहुत कुछ है करने के लिए एंड पढ़ने के लिए बेसिकली, एंड ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके टेट एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सो यहाँ पे 2 यूनिट्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, एंड जनरली देखिए जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की वहाँ पे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सेकेंड ईयर में 4 यूनिट्स रहती हैं, यहाँ पे KUK में सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, तो यू आर वेरी लकी इन द KUK एज अ KUK स्टूडेंट कि सब्जेक्ट में आपको बहुत कम लिमिटेड लाइक कंटेंट है, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है एंड आने वाले टाइम में देखिए और डिमांड इस सब्जेक्ट की बढ़ेगी, एंड बीएड स्पेशल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के होता है। देन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक मैं हेल्थ का डिस्कस करूँगी क्योंकि आई विल से 90% स्टूडेंट्स के पास वही सब्जेक्ट होता है, एंड हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन को, अगर बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको वीडियोस चाहिए तो वी विल मेक सेपरेटली कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एंड कमेंट बॉक्स में लिख दें उस पर अलग से वीडियो वी विल टेक। तो हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन तीन सब्जेक्ट तीन चीज़ों का लाइक तीन टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है ये सब्जेक्ट, हेल्थ पे क्वेश्चन, योगा पे क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन पे हर एक पे देखने को आपको मिलेगा,
तो कुछ भी स्किप अगेन ना करें, बिकॉज ऑलरेडी 3 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन एक सब्जेक्ट है, तो उसमें पढ़ने को बहुत कुछ होता है। एक क्वेश्चन यूनिट 2 से बात करूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, यूनिट 1 से नहीं बताया मैंने, एक सेकेंड, यहाँ से क्वेश्चन, एक यहाँ से। तो एक पार्ट को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट दूसरे पे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली, तो दूसरा भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी अटेंड करना चाहती हैं तो। सो वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत इजी है, एंड एक रीडिंग इस सब्जेक्ट की इनफ है, आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक रीडिंग देते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल रहेंगी, तो समय रहते इस सब्जेक्ट को रीड कर लें ताकि एग्जाम के वक्त सिर्फ आपको एक रिवीजन करनी हो। एंड बाकी यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सब्जेक्ट है, एंड ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होता है, एंड वेरी साइकोलॉजी बेस्ड आपका एक सब्जेक्ट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इस सब्जेक्ट में बेसिकली ये है कि गाइड आपको एक बच्चे को या काउंसिल कैसे करना है एज अ टीचर, वो आप इसमें सीखते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। गाइडेंस पे एंड काउंसलिंग फर्स्ट यूनिट आपकी रहती है, दोनों पे बेस्ड। देन यहाँ पे सेकेंड यूनिट जो है स्टडिंग एंड इंडिविजुअल, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉन टेस्टिंग, इसमें से आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन या 16 मार्क्स में डेफिनेटली देखने को मिलता है। एंड गाइडेंस सर्विसेज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से भी आता है, तो इस यहाँ से ही आप ये वाला बिल्कुल स्किप ना करें। एंड ये था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, ज़रूर देखें, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो स्किप कर देंगे तो दैट विल बी अ बिग इशू, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो बिल्कुल लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल देखने हैं। मैंने आपको बुक बता दी है 5 ईयर के लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एवरी मटेरियल इज अवेलेबल, नोट्स, बुक्स, लेसन प्लान्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल मटीरियल एंड एवरीथिंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर दैट। सो होप सो आपको सिलेबस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के यूके के सभी ब्रीफ में समझ आए होंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे और ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन डिटेल नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज, एंड डेफिनेटली वी विल गो विथ वन मोर वीडियो देन। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher.